हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग मैनेजिंग यूजर एंड ग्रुप्स ये वाला लैब करेंगे। ये जो लैब है यहाँ पर हम लोग कुछ यूजर को ऐड करेंगे एंड ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप में ऐड करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग लैब को स्टार्ट करते हैं। लैब स्टार्ट हो रहा है। जब तक ये रेडी स्टेटस ना बोले तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो रेडी स्टेटस दिखाना चाहिए। इसके लिए वेट करना होगा हम लोगों को थोड़ा। लैब स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग को वेट करना होगा जब तक ये रेडी ना हो जाए। ओके गाइस, तो मेरा लैब रेडी हो गया। तो अब चलिए हम लोग मोबाक्स टीम को कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को पब्लिक आईपी लगेगा, ये वाला जो SSH की है इसको डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करके ये जो पब्लिक आईपी दिया है ना, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मोबाइल स्ट्रीम को कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ सेशन पे जाके SSH पे रिमोट होस्ट की जगह हम लोग जो पब्लिक एड्रेस जो कॉपी किए थे ना आईपी एड्रेस, वो वाला पेस्ट कर देंगे। और यहाँ एक यूज़र नेम डाल देंगे जो आप लोग चाहिए। मैं इधर C2 यूजर डाल रही हूँ। ओके, देन एडवांस SSH सेटिंग में जाके ये जो बॉक्स है ना यूज़र प्राइवेट की, इसको चेक कर देना है। और हम लोग जो डाउनलोड किए थे फाइल, वो वाला फाइल को इधर अपलोड कर देना है। देन ओके, देन एक्सेप्ट। ओके गाइस, देखिए हम लोगों को मोबाइल स्ट्रीम कनेक्ट हो गया। चलिए अब लैब में, तो देखते हैं लैब में क्या बोला है करने के लिए। ओके, यह सम यूज़र आईडी दिया है। दिस इज यूज़र को हम लोगों को ऐड करना होगा। बहुत सारा यूज़र दिया है, पासवर्ड भी दिया है, जॉब रोल भी दिया है। तो इधर से हम चार यूज़र को ऐड करेंगे, ठीक है। और यूज़र को ऐड करने के लिए कमांड भी दिया है। तो फर्स्ट हम लोगों को चेक करना पड़ेगा हम लोगों को प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन है। तो इसके लिए एक कमांड है PWD, वो हम लोग चेक कर लेंगे PWD करके। ओके, हम लोग EC2 के अंदर ही है। तो यूज़र क्रिएट करने की जो कमांड है वो है यूज़र ऐड करके, sudo यूज़र ऐड। sudo जो कमांड होता है वो होता है सुपर यूज़र, मतलब sudo का फुल फॉर्म अगर बोले हम सुपर यूज़र 2, मतलब ये जो कमांड है वो सिस्टम को, मतलब हम लोग सिस्टम को बोलते हैं टेलिंग द सिस्टम टू रन द कमांड एज अ सुपर यूज़र, मतलब सुपर यूज़र हिसाब के ये काम करता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो यूज़र है उसको ऐड कर लेते हैं। Ctrl+C, देन फर्स्ट। ओके, इसी तरह हम लोग
चार यूज़र आई डी ऐड कर लेंगे, सूडो यूज़र ऐड देन ये वाला सूडो यूज़र ऐड, दूसरा हो गया, तीसरा है ये वाला, चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं, सूडो यूज़र ऐड, ये भी हो गया, एंड चौथा है ये वाला, इसको भी कॉपी कर लेते हैं इधर से, सूडो यूज़र ऐड। हम लोग चार यूज़र को ऐड कर लिए, अब देखते हैं ये चार जो यूज़र हम लोग ऐड किए वो असल में ऐड हुआ कि नहीं, तो उसके लिए भी एक कमांड होता है, कैसे चेक करेंगे, वो है ये कमांड sudo get। तो चलिए इसको पेस्ट करते हैं। देखिए हम लोग जितना जो यूज़र था वो सबका लिस्ट आ गया, हम लोग लास्ट में ये वाला ऐड किए थे, ये जो चार यूज़र है देखिए आ गया है, ठीक है, तब मतलब हम लोगों का यूज़र ऐड हो गया। अब आइए यूज़र को पासवर्ड देना, मतलब पासवर्ड सेट करना है, सो यूज़र का पासवर्ड सेट करने के लिए एक कमांड होता है sudo password करके, ठीक है, तो ये वाला कमांड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एंटर, एंड देखिए न्यू पासवर्ड मांग रहा है ये, सो इधर हम लोग को पासवर्ड दे दिया है, हम लोग ये वाला पासवर्ड यूज करेंगे। अब देखिए पासवर्ड पेस्ट करने के बाद वो नहीं शो करेगा, तो आपको क्या करना है, अगर आपने पेस्ट कर दिया है उसके बाद इंटर टिक कर देना है, रीटाइप बोला है सो अगेन हम लोगों को वो वाला पासवर्ड देना है, ये भी नहीं शो करेगा तो हम लोगों को इंटर कर देना है। ओके देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब पासवर्ड अपडेट हो गया। सो ऐसे करके हम लोगों को बाकी जो यूज़र है उनका भी पासवर्ड सेट करना है। सो कमांड क्या था पासवर्ड देने का, sudo password then username, वो पासवर्ड मांग रहा है, इधर पासवर्ड दे दिया है यूज़र के साथ, ये वाला पासवर्ड भी हम लोग देंगे, अगेन नहीं शो करेगा, एंटर, अगेन एंटर, ओके ये वाला यूज़र के लिए पासवर्ड सेट हो गया। अब हम चलते जो थर्ड है उसके लिए पासवर्ड सेट करने के लिए, सेम प्रोसेस sudo पासवर्ड देन एंटर के पासवर्ड मांग रहा है, इधर से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, एंटर अगेन नहीं दिखाएगा ये, एंटर ओके, जो थर्ड वाला जो यूज़र था उसका भी पासवर्ड सेट हो गया। अब आइए फोर्थ जो हम लोग ऐड किए हैं, कंट्रोल से sudo password पेस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड था इसका, सबका सेम दिया है, ठीक है हम लोग कॉपी कर लेते हैं इधर से,
थर्ड पेस्ट नहीं दिखाएगा, इंटर अगेन पेस्ट ये भी नहीं दिखाएगा, सेंट। देखिए फोर्थ जो था यूज़र उनका भी जो पासवर्ड हम लोग सेट कर लिया है। सो पासवर्ड सेट करने के बाद हम लोग वो ग्रुप क्रिएट करना होगा, जो हम लोग जो यूज़र क्रिएट किया है, मतलब जो यूज़र को ऐड किया है, उनको अब हम लोग एक एक ग्रुप में ऐड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोगों को एक ग्रुप ऐड करना होगा। सो ग्रुप ऐड के लिए एक कमांड है sudo group add करके। सो इधर से हम सेल्स को ग्रुप ऐड करेंगे। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे हम लोगों का जो वर्किंग डिरेक्टरी है प्रेजेंट वो कौन है, कौन सा है। सो pwd करके चेक कर लेंगे, pwd ओके, हम लोग इसी डो में ही हैं। सो कोई बात नहीं, अब हम लोग सेल्स ग्रुप को ऐड करेंगे ये वाला कमांड की हेल्प से। चलिए करते हैं, ओके ग्रुप ऐड हो गया। ऐसे करके हम लोग और एक ग्रुप को ऐड कर लेते हैं एचआर बोल के, वो सुडो ग्रुप ऐड एचआर, ये भी ऐड हो गया। ओके अब हम देखेंगे जो हम लोग जो ग्रुप क्रिएट किया है वो ऐड हुआ कि नहीं, तो हम कैसे देखेंगे। सो ये वाला जो कमांड है कैट कमांड, इससे हम लोगों को पता चलेगा वो वाला ग्रुप ऐड हुआ कि नहीं। कैट कमांड से बेसिकली हम लोग क्या हुआ वो वाला मतलब जो किया है वो हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं। कुछ फाइल क्रिएट किया तो वो वाला फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं वो हम कैट कमांड से करते हैं। ओके देन शिफ्ट इंसर्ट, ओके देखिए हम लोगों को ग्रुप ऐड हो गया सेल्स एंड एचआर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप ऐड हो गया, अब हमको ग्रुप में ऐड करना होगा यूजर को, तो हम कैसे करेंगे वो। सो यूजर को ग्रुप में ऐड करने के लिए कॉमन होता है यूजर मॉड करके। सो हम लोग सेल्स ग्रुप में पहला जो यूज़र था एरो सेल्स करके, वो जो यूज़र को हम ऐड करेंगे। तो ये जो कमांड है पहले यूज़र मॉड, तो कौन सा ग्रुप उस ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे, कंट्रोल सी देन इंसर्ट, ओके। सो हम लोग सेल्स ग्रुप में एरो सेल्स को ऐड कर दिया है। ओके सो एक बार चेक कर लेते हैं वो जो हम लोग किए हैं वो ऐड हुआ कि नहीं। इसको पेस्ट करते हैं। देखिए सेल्स ग्रुप में एरो सेल्स करके जो हम लोगों का यूज़र था वो ऐड हो गया। ओके सो नेक्स्ट ऐसे करके हम लोगों को बाकी जो यूज़र है उन लोगों को भी ऐड करना होगा, ठीक है। हम लोग इस जो कमांड है इधर से नहीं कॉपी करेंगे, हम लोग यूज़र को कॉपी कर लेंगे। सेकेंड जो हम का जो यूज़र है उनको हम दूसरे जो ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे। ओके आप एरो से आप लोग प्रीवियस कमांड को भी दे सकते हैं। तो दूसरे जो कमांड है वो है ग्रुप है वो है एचआर। एचआर ग्रुप में हम सेकेंड यूजर को ऐड करेंगे। ओके ऐड हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार कैट कमांड से। देखिए एचआर ग्रुप में हम लोगों का जो सेकेंड यूजर था वो भी ऐड हो गया। ऐसे करके हम बाकी जो दो हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। उनको ऐड करने के लिए हम लोग दो और जो ग्रुप है वो भी क्रिएट कर लेंगे। चलिए
क्या करेंगे, एक फिनेंस का ग्रुप क्रिएट करते हैं और सीईओ का, ठीक है। तो इसके लिए ग्रुप मोड हम लोग पहले ही बता दिया, वो वाला जो है वो हेड करेंगे जो सीईओ के, सीईओ के ग्रुप ऐड किया अगेन, फिनेंस का ग्रुप बना लिया, ठीक है। हम ग्रुप में अब सीयू ग्रुप में था जो हम लोगों का जो यूजर था उसको ऐड करेंगे, सीईओ थर्ड क्या था, कौन था, कौन था, ए और फोर्थ फिनेंस ग्रुप में जो फोर्थ जो यूजर था उनको ऐड करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ग्रुप में ऐड हुआ कि नहीं, वो हम कैट कमांड से करेंगे। अब अपर एरो से भी जा सकते हैं प्रीवियस कमांड में, देखिए कैट कमांड यूज करके हम लोग चेक करेंगे। ओके गाइस, देखिए हम लोग जो चार जो ग्रुप क्रिएट किए थे, सेल्स, एचआर, सीईओ और फिनेंस, उन सभी ग्रुप में हम लोग एक एक करके हम लोग यूज़र दे दिया। आप लोग दो तीन करके भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी एक एक करके एक सेल्स ग्रुप में एरो सेल्स, एचआर में ईओडब्ल्यू वो जो यूज़र है उनको डाला है, सीईओ में जेडडीओई यूज़र को डाला है और फिनेंस में एलजेड में जो है उनको डाला है, ठीक है। तो यूज़र ऐड हो गया हम लोग ग्रुप में। सो इधर बहुत सारा यूज़र दिए हैं, आप लोग चाहे तो सभी को भी ऐड कर सकती है। आप लोग अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगा कैसे ग्रुप को क्रिएट करता है और यूज़र को ऐड करता है, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्या बोला है, क्रिएट ग्रुप कर लिया है हम लोगों ने, ओके यूज़र मोड से कर लिया है। लॉग इन यूजिंग द न्यू यूजर, ओके हम लोग अब यूजर में इंटर करेंगे जो हम लोग यूजर क्रिएट किया है। तो कौन सा ये से करेंगे, ऐसे सो एरो सेल्स करके ये जो कमांड, कंट्रोल सी इंसर्ट के पासवर्ड मांग रहे हैं, हम लोग पासवर्ड सेट किए थे तो वो वाला पासवर्ड हम डाल देंगे इधर, सबका ही सेम था। तब भी अगर आप दूसरे कोई पासवर्ड यूज़ करेंगे तो वो वाला यूज़ करना, पासवर्ड नहीं दिखाएगा तो हम लोगों को इंटर कर देना है। ओके देखिए हम लोग ये जो यूज़र है इसमें इसमें आ गया, देखिए उसके पहले था EC2 यूज़र, मतलब हम लोग EC2 में था। अब हम कहाँ पर है, एरो सेल्स में। अगर ऐसे करके नहीं, आप PWD करके भी आप लोग देख सकते हैं करेंट भी, आप लोगों का करेंट जो वर्किंग डिरेक्टरी कौन है, वर्किंग डिरेक्टरी तो हूँ EC2 यूजर है और आप लोग का किसके अंदर है, एरो सेल्स के अंदर। ओके नेक्स्ट इधर बोला है एक फाइल क्रिएट करने के, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए एक कमांड होता है टच, मतलब आप टच कमांड लेके आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके इधर फाइल का नाम दिया है myfile.txt, मतलब txt फाइल होगा। शिफ्ट इंसर्ट
परमिशन डिनाइड, क्योंकि एरो सेल्स जो यूज़र है उनको परमिशन नहीं है मतलब फाइल क्रिएट करने के और फाइल को राइट करने के लिए। इसीलिए हम लोग सूडो कमांड यूज़ करें, मतलब सूडो कमांड हम पहले ही बोला है सुपर यूज़र को परमिशन देता है कोई भी काम करने के लिए, तो सूडो कमांड से हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। आप देखिए एरो सेल्स को जो फाइल क्रिएट करेगा उसके लिए उनका पासवर्ड भी डालना होगा। सो पासवर्ड क्या था उस यूजर की, ये था, तो हम लोग ये डाल दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला पासवर्ड नहीं दिखाएगा, सो इंटर कर देना। ओके, सो एरो सेल्स इज नॉट द सूडोर्स, मतलब ये जो है इस सूडो यूजर के काम करता है। ओके गाइस, सो ये था। ओके, जो एरो सेल से हमको एग्जिट करने के लिए एग्जिट कमांड है उसको यूज करना होगा, मतलब हम लोग यूजर टू में आएंगे। ओके, हम लोग यूजर टू में, इसी टू यूजर में आ गया है। ओके, ना 47 में कहा है यू विजुलाइज द कंटेंट, मतलब आप लोगों को कंटेंट देखने पर चाहे तो आप लोग इस कमांड को चला सकते हैं। ओहो, कभी नहीं हुआ, सॉरी गाइस, हम कॉपी नहीं कर रहे। ओके, फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन ओके। ओके, इधर एस मिस हो गया। देखिए हम लोग जो जो किए थे सब दिखा दिया, पूरा कंटेंट। अब इन ये जो लैब में जो जो किए सब दिखा दिया, ठीक है। सो यही था ये वाला लैब। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।